उत्तराखंड को देवभूमि के साथ सैन्य भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे राज्य के अनेक जवान देश की सेवा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं और हमारे राज्य के अनेक जवानों ने देश के लिए कुर्बानी भी दी है। लेकिन कई बार एक दुखद समाचार हमारे सामने आते हैं जब उत्तराखंड के ये सपूत हादसों का शिकार हो जाते हैं। अब एक ऐसा ही दुखद समाचार पिथौरागढ़ से सामने आया है, जहाँ पिथौरागढ़ बाजार से भुरमुनी गांव जा रहे ऑल्टो कार के खाई में गिरने से सेना के दो जवानों की दुखद हादसे में मौत हो गई। इसमें से एक जवान ITBP में तो वहीं दूसरा जवान बंगाल इंजीनियरिंग में तैनात था। ये दोनों ही जवान इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। इस हादसे में तीन अन्य युवक भी घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ITBP में तैनात 32 साल के नीरज सिंह धानिक और बंगाल इंजीनियरिंग में तैनात 27 साल के पंकज सिंह खड़ायत अपने दो अन्य साथियों मुकेश बोरा और विपिन खड़ायत के साथ बृहस्पतिवार देर शाम ऑल्टो कार से पिथौरागढ़ बाजार से अपने घर भुरमुनी वापस जा रहे थे। तभी गांव के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार नीरज सिंह धानिक और पंकज सिंह खड़ायत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश बोरा और विपिन खड़ायत और एक अन्य युवक घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों घायलों के सिर और हाथों में चोट आई है। अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के शिकार नीरज सिंह खड़ायत के दो बेटे हैं, जबकि पंकज सिंह का पिछले साल ही विवाह हुआ था और दो दिन बाद ही उनकी शादी की सालगिरह होनी थी, लेकिन शादी की सालगिरह से पहले ही पंकज के साथ ये दुखद हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से ही दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आसपास के इलाके में भी शोक की लहर दौड़ गई है।